सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का तीसरा दिन जारी है और आज का दिन समर्पित है माँ के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा को। आज के दिन श्रद्धालु माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ योगिता। नवरात्रि के इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न कैसे करें। माता चंद्रघंटा के नाम का विशेष अर्थ है चंद्र, मतलब चंद्रमा, और इनके ललाट पर घंटी के समान चमकते हुए चंद्रमा की इस वजह से ही उनका ये नाम पड़ा। देवी का ये स्वरूप भक्तों में साहस और वीरता भरता है। माता चंद्रघंटा की आराधना कैसे करनी है, माता को क्या भोग लगाना है, वो हम आपको आज के इस एपिसोड में बताएंगे। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से शांति मिलती है और माँ का ये रूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग पसंद है और सुगंध प्रिय है। उनका वाहन सिंह है, उनके 10 हाथ हैं और सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं। माँ चंद्रघंटा असुरी शक्तियों से रक्षा करती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य के भीतर से अहंकार का नाश होता है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है तब वो आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती है। माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। मैं महेश सबका ईश। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए आप जब भी पूजा करें या माता को कुछ भी भेंट करें तो लाल रंग का ही करें। आइए आपको पूजा विधि बताते हैं। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। उसके बाद सुनहरे या लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें, साथ ही माला भी चढ़ाएं। कहते हैं कि कोई भी पूजा बिना कथा सुने पूरी नहीं होती है। देवी का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं। भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इसलिए आप भी पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा कीजिए।
माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सभी खुशियाँ प्रदान करती हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में माँ के चौथे स्वरूप के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।